गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज क्यूक्यूम्बर फेस पैक। आज मैं इस वीडियो में आपको क्यूक्यूम्बर फेस पैक के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड बहुत सी जानकारियां दूंगी। ये आपके स्किन में कैसे वर्क करती है, इसे कैसे लगाना है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले। बगल में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स मूव टू द वीडियो दैट इज कॉल्ड क्यूक्यूम्बर फेस पैक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्यूक्यूम्बर फेस पैक की पैकिंग कुछ इस तरह की है। ये कार्टून पैकिंग में आती है और कुछ क्यूक्यूम्बर के पिक्चराइजेशन इसमें किए गए। आप देख सकते हैं कुछ खीरे के पिक्चराइजेशन है, तो आप कुछ गेस कर सकते हैं कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जो है क्यूक्यूम्बर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफी नेचुरल हर्बल और जो है घरेलू इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं, तो इसका जो भी साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये हर्बल और आयुर्वेदिक है, तो ये आपके स्किन में कोई भी बैड इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं डालती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फेस पैक अवेलेबल है, बट उनमें इतना हाई केमिकल या कॉस्मेटिक्स डाला गया है जिससे आपकी स्किन पहले तो ग्लोइंग हो जाती है लेकिन बाद में बहुत साइड इफेक्ट होता है। बट इस फेस पैक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसका जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है मुल्तानी मिट्टी, केओलिन पाउडर, क्यूक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट, कैलामाइन पाउडर, रोज फ्लावर। और ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताई, ये सारी इंग्रेडिएंट्स प्राचीन काल से या एंशियंट टाइम से ये ब्यूटी को निखारने में एक एक इंग्रेडिएंट जो है एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज होते आई है। और इन सारे चीजों के एक्सट्रैक्ट या मिश्रण से जब इसे तैयार किया गया है, देन यू कैन इमेजिन कि ये कितनी इफेक्टिव फेस पैक है। और ये जो है सबसे अच्छी बात, जैसा कि ये सारे चीजों में बिल्कुल भी केमिकल या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके स्किन को जो है हार्श करे, तो आइए देखते हैं कि कौन से स्किन प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो सकते हैं। इट मॉइस्चराइजेस एंड रिवाइटलाइजेस स्किन नेचुरली। ये आपके त्वचा को जो है नमी प्रदान करके प्राकृतिक रूप से नया जीवन देती है। अगर आपकी त्वचा में नमी कम हो गई है तो उस नमी को ये जो है बढ़ाती है और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करती है। इफेक्टिव टू सूथ द टैन एंड द इरिटेशन। ये आज के डेट में बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर से रहने से क्या होती है, हमारी स्किन जो है अनइवन टोन में आ जाती है, यानी कि कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक पैचेस हो जाते हैं और एक अनइवन टोन बनता है। उसमें भी जो है ये फेस पैक बहुत इफेक्टिव है। ये आपके सन टैनिंग को या कोई भी तरह की टैनिंग को दूर करता है और आपको एक इवन टोन आपको मिलती है। और तीसरी जो बात है, रिड्यूसेस डलनेस एंड गिव योर स्किन अ नेचुरल ग्लो। अगर आपकी त्वचा डल हो गई है, त्वचा में फीकापन आ गया है, तो भी ये त्वचा को जो है नेचुरली ग्लोइंग बनाती है और आपको एक रेडिएंट और ब्यूटीफुल स्किन जो है मिलती है। तो ये थे कि कौन से चीजों में जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे ओवरऑल किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं, ये आपके स्किन को जो है ब्यूटीफाई करती है। तो आइए चेक करते हैं कि इसे लगाना कैसे है। इसे लगाने का तरीका बहुत आसान है। इस कार्टन से जब मैंने निकाला, मुझे ये देखिए इस तरह की सिल्वर पैकेजिंग में ये आपको मिलती है और इसके अंदर इस तरह के पाउडर फॉर्म में ये आती है। इसमें से जो है आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ फेस पे लगाना है। अगर आप ज्यादा चाहे नेक और हैंड्स पे भी लगाना तो आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज्यादा रखी है। और ये मेरे पास है रोज वाटर, आप किसी भी कंपनी का रोज वाटर ले सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैंने ये ले ली। और इसे जो है आपको रोज वाटर के साथ ही मिक्स करना है और दूसरे किसी भी चीज के साथ आपको मिक्स नहीं करना है। ये देखिए एनफ क्वांटिटी आपको लेनी है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए इसका। मैंने इतनी क्वांटिटी ली है और अब हम एक स्मूथ पेस्ट इसका बनाएंगे। ये ऐसे, ये देखिए अब एक इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है। बहुत मोटी इसकी टेक्सचर नहीं होनी चाहिए और तब तक आपको इसे जो है अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें से लम्स हट ना जाए। तो ये एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार होगा, ये देखिए। और इसमें जो है आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी टेक्सचर चेंज हो गई है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसमें स्मूथ पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। एटलीस्ट 1 मिनट तक आप इसे अच्छे से, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें। और जिस एरिया पे आपको लगाना है, यानी कि फेस पे, नेक पे, हैंड पे, जहां पे, उस एरिया को अच्छे से वॉश कर ले और किसी साफ टॉवल से जो है पोंछ ले। और उसके बाद इस तरह से लेते हुए, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ,
ये देखिए ऐसे सर्कुलेट करते हुए धीरे धीरे करके आप इस तरह से इसे लगाना शुरू करें। और आप जो है इसे बिल्कुल भी ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत मोटी लेयर आपको नहीं बनानी है, पतली लेयर में ही आपको जो आपके स्किन पे इस तरह से मसाज करते हुए आपको लगाना है। आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मोटी रखेंगे तो वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इस तरह से लगाने के बाद आपको 30 मिनट्स या तो 20-25 मिनट्स तक, जब तक ये ना सूखे, आपको बहुत आराम से बैठना है। और आराम से बैठने के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो ठंडे पानी से अपने फेस को जो है फिर से मसाज करते हुए इस फेस पैक को निकाल देना है और ठंडे पानी से अच्छे से अपने पूरे फेस को धो लेना है। और उसके बाद जो है आप पैड ड्राई कर ले अपने फेस को, यानी कि पोंछ ले। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तब आप किसी अच्छे मॉइस्चराइजर का यूज करें, और अगर ड्राई नहीं है तो आपको मॉइस्चराइजर की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इट मॉइस्चराइजर्स योर स्किन। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को ऑलरेडी मॉइस्चराइज करेगी। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। आइए चेक करते हैं इसकी प्राइस क्या है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये बहुत नॉमिनल है, ओनली 20 रुपीज में आपको ये फेस पैक मिलती है। और इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से आप इसे ले सकते हैं। होप मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू लाने वाली हूँ। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।